आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी मीटर सो व्हाट इज एनर्जी मीटर सो एनर्जी मीटर इज़ यूज टू मेजर एनर्जी सो इट इज़ यूज टू मेजर एनर्जी ओके एनर्जी मीटर इज़ यूज टू मेजर एनर्जी सो व्हाट इज एनर्जी एनर्जी इज अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जितना पावर कंज्यूम होगा उसको हम बोलेंगे एनर्जी एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर इन टू डिटी सो दैट इज़ नथिंग बट सो यूनिट क्या होगा एनर्जी का पावर का यूनिट वाट एंड टाइम का यूनिट आवर सो वाट आवर में हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं ओके okay? सो एनर्जी इज नथिंग बट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओके एनर्जी का यूनिट क्या है वाट आवर दैट इज पावर इन टू टाइम सो वाट आवर सो दैट्स वाई एनर्जी मीटर ऑल्सो नोन एज वाट आवर मीटर सो एनर्जी मीटर को वाट आवर मीटर भी कहा जाता है इसलिए एनर्जी मीटर इज यूज एवरी प्लेसेस लाइक होम

कहा जाता है तो वन किलो वाटआवर इजिंग बट वन यूनिट ऑफ एनर्जी बेसिकली एनर्जी मीटर्स आर ऑफ टू टाइप सिंगल फेज एंड थ्री फेज सो सिंगल फेज एनर्जी मीटर कहाँ यूज होता है हाउस में एंड थ्री फेज कहाँ यूज होता है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पज के लिए ओके okay? अब सिंगल फेज एनर्जी मीटर के बारे में बात करते हैं सो सिंगल फेज एनर्जी मीटर डायरेक्टली कनेक्टेड बिटवीन द लाइन एंड द लोड लोड एंड लाइन के बीच में डायरेक्टली कनेक्ट रहता है सिंगल फेज एनर्जी मीटर अब थ्री फेज अब थ्री फेज कैसे कनेक्ट रहता है यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज होता है टू आइसोलेट द एनर्जी मीटर फ्रॉम द हाई करंट सो थ्री फेज सप्लाई के लिए हाई करंट को आइसोलेट कर uh, करने के लिए यूज किया जाता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ओके सो यहाँ पे जो है पावर इज़ नथिंग बट वोल्टेज इनटू करंट वी ऑल नो दैट दैट इज़ वी इनटू आई सो दैट इज वी कैन फर्दर से पावर इज नथिंग बट द इंस्टेंटिन्यूस पावर अगर होगा तो इंटीग्रेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पावर को कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम कहेंगे एनर्जी ओके बेसिकली जस्ट सिंपल कंसेप्ट टाइप्स ऑफ एनर्जी मीटर सो बेसिकली एनर्जी मीटर आर ऑफ फोर टाइप्स एनर्जी मीटर में जो डिस्प्ले होता है उसके ऊपर बेस करके दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं एनर्जी मीटर को एक है एनालॉग एनर्जी मीटर एक है डिजिटल एनर्जी मीटर नंबर टू टाइप ऑफ मीटरिंग पॉइंट सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इसमें दो फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक सेकेंडरी एंड एक प्राइमरी एंड थर्ड जो टाइप है वो है टाइप ऑफ एप्लीकेशन एनर्जी मीटर कहां कहाँ यूज होता है उसके ऊपर बेस करके एनर्जी मीटर को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक है डोमेस्टिक एक कॉमर्शियल एक इंडस्ट्रियल बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे वो है टेक्निकल टेक्निकली एनर्जी मीटर को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है एक है सिंगल फेज एनर्जी मीटर एंड एक है थ्री फेज एनर्जी मीटर सो यही सिंगल फेज एंड थ्री फेज एनर्जी मीटर ही हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक निकल इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर सो बेसिकली दिस इज द फिगर ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन टाइप सिंगल फिज एनर्जीमीटर सो यहाँ पे रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क माउंटेड ऑन द स्पिंडल बिट्वीन टू इलेक्ट्रो मैगनेट सो यहाँ पे ये जो है सो दिस इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम सो so, एक डिस्क लगा हुआ रहता है मिडिल में जो घूमता है सो ये बेसिकली इन बिटवीन टू मैग्नेट टू इलेक्ट्रो मैग्नेट नंबर वन इलेक्ट्रो इज दिस वन एंड नंबर टू इलेक्ट्रो मैग्नेट इज दिस वन सो ये दोनों इलेक्ट्रो मैग्नेट के बीच में ये डिस्क घूमता है सो रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क माउंटेड ऑन द स्पिंडल बिटवीन टू इलेक्ट्रो ओके अब ये जो रोटेट करेगा इसका स्पीड ऑफ रोटेशन इज प्रोपोर्शनल टू पावर जितना भी पावर होगा उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इस डिस्क का स्पीड ऑफ रोटेशन ओके पावर इज इंटीग्रेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम टू गेट एनर्जी सो एक टाइम फ्रेम के लिए मतलब एक टाइम पीरियड के लिए जो पावर मेजर किया जाएगा उसको ही हम बोलेंगे एनर्जी सो पावर इज इंटीग्रेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम टू गेट एनर्जी सो एनर्जी मेजर करने के लिए क्या करेंगे एक टाइम फ्रेम के अंदर पावर को मेजर करेंगे तो एनर्जी निकल के आ जाएगा जैसे कि फिगर में टू मैग्नेट दिख रहा है टू मैग्नेट यूज किया जाता है एक सीरीज एंड एक शांट सो so, टू इज़ सीरीज़ एंड शांट. सो फिगर में देख लेते हैं एक बार कहाँ कहाँ पे है मैग्नेट सो so, ए वाला एक मैग्नेट है और ए वाला एक मैग्नेट है सो so, दो मैग्नेट कनेक्टेड रहता है. सो so, ए वाला और ए वाला सो so, ए जो मैग्नेट है ये कनेक्ट कैसे रहता है सीरीज में एंड यहाँ पे जो मैगनेट यूज हो, हो रहा है ये कनेक्टेड कैसे रहता है शांट में सो so, यहाँ पे शांत मैग्नेट यूज किया गया है और यहाँ पे यूज किया गया है सीरीज मैग्नेट सो दिस इज द शांत मैग्नेट एंड दिस इज द सीरीज़ मैग्नेट सीरीज मैग्नेट कैरीज ए कॉयल विच हैव फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स एंड ऑफ़ थिक वेयर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन सो सीरीज मैग्नेट जो कनेक्टेड रहता है इसमें जो वेयर यूज़ किया जाता है लेस नंबर ऑफ टर्न रहता है मतलब बहुत ही कम टर्न रहता है यहाँ पे ओके एंड थिक वेयर यूज़ किया जाता है एंड डायरेक्टली ये किसके साथ कनेक्टेड रहता है सो so, सीरीज में लाइन के साथ ये डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है सो so, यहाँ पे बेसिकली एक सीरीज मैग्नेट यूज किया गया है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही कम यूज़ होता है एंड ये डायरेक्टली लाइन के साथ कनेक्ट रहता है शांट मैग्नेट कैरीज ए कॉयल विच हैव मेनी नंबर ऑफ टर्न्स एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरल एक्रॉस द सप्लाई। सो दिस इज द शांट मैग्नेट एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा यूज होता है एंड ये लाइन के साथ कैसे कनेक्ट रहता है ये लाइन के साथ पैरलली कनेक्ट रहता है इसके बाद ब्रेक मैग्नेट फोर्स अपोज टू नॉर्मल डिस्क रोटेशन टू मूव द डिस्क एट बैलेंस पोजिशन बेसिकली यहाँ पे जो ब्रेक मैग्नेट यूज़ हुआ है ये एक परमानेंट मैग्नेट होता है और इसका काम क्या होता है ये बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है जब डिस्क घूमेगा ये तो जो डिस्क है ये कंटिन्यूसली घूमता रहेगा अब इसको बैलेंस कौन करेगा ये ब्रेक मैग्नेट सो ब्रेक मैग्नेट का काम क्या है फोर्स ऑपोज टू द नॉर्मल डिस्क रोटेशन टू मूव द डिस्क एट बैलेंस पोजिशन सो बैलेंस पोजिशन में लाने के लिए ब्रेक मैग्नेट को यूज किया गया है सीरीज मैग्नेट प्रोड्यूस फ्लक्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड शांट मैग्नेट प्रोड्यूस फ्लास्क विच इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज सो so, यहाँ पे जो सीरीज शंट मैग्नेट यूज़ किया गया है जो फ्लाक्स प्रोड्यूस करेगा वो प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज होगा एंड जो सीरीज मैग्नेट यूज़ किया गया है यहाँ पे जो फ्लाक्स प्रोड्यूस होगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट तो सीरीज में जो मैग्नेट uh, यूज़ किया गया है उसमें जो फ्लाक्स प्रोड्यूस होगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कार्ट एंड शांट में जो मैग्नेट यूज किया गया है सो so यहाँ पे जो फ्लक्स uh, प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के साथ सो so यहाँ पे 90 डिग्री लैगिंग ड्यू टू द इंडक्टिव नेचर टू फ्लक्स जेनरेटेड एडी करेंट विच मूव्स द डिस्क अब ये दो फ्लक्स जेनरेट हो रहा है यहाँ पे इसके वजह से क्या होगा डिस्क रोटेट करेगा दैट इज डिस्क मूव करेगा अब जो डिस्क यूज़ किया गया है जो डिस्क यूज़ किया गया है वर्टिकल स्पिंडल और शार्प दैट इज कनेक्टेड टू द पॉइंटर पॉइंटर के साथ कनेक्टेड रहता है एंड दैट फर्दर कनेक्टेड पॉइंटर का फर्दर कनेक्टेड टू ए स्केल जिस स्केल पे रीडिंग शो होगा ओके सो डिस्क के साथ पॉइंटर कनेक्ट रहेगा पॉइंटर के साथ स्केल कनेक्टेड रहेगा सो डिस्क रोटेट होगा तो पॉइंटर में पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा एंड स्केल में शो होगा अब एनर्जी मीटर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एक्यूरेट, कॉमनली यूज इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बेसिकली एनर्जी मीटर में बहुत तरीके का एरर देखा जाता है जैसे कि फेज एरर स्पीड एरर फ्रिक्शंस एरर क्रिपिंग एरर टेम्परेचर एरर एंड फ्रीक्वेंसी एरर सो so, एरर एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना है नोट्स प्रोवाइड कर देंगे सो so, वहाँ से एरर जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना है सो so, समराइज कर देते हैं यहाँ पे दो मैग्नेट यूज होता है एनर्जी मीटर में एक शांट मैग्नेट एक सीरीज मैग्नेट अब ये जो डिस्क यूज होता है ये एक एलुमिनियम डिस्क है ठीक है अब शांट मैग्नेट जो है शंट मैग्नेट में जो कॉयल्स रहता है ये मेनी नंबर ऑफ टर्न्स रहता है कॉयल में एंड सीरीज मैग्नेट में नंबर ऑफ टर्न्स लेस रहता है कम रहता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम रहता है यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहता है सीरीज मैग्नेट डायरेक्टली सीरीज में कनेक्ट रहता है सप्लाई के साथ और लाइन के साथ वी कैन से एंड ये जो शांट मैग्नेट कनेक्ट डायरे शांत मैग्नेट पैरेलली कनेक्टेड रहता है लाइन के साथ यहां पे एक ब्रेक मैग्नेट यूज किया जाता है जो कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है एंड ये क्या करेगा डिस्क को बैलेंस पोजीशन पे लाने के लिए यूज होता है एल्यूमिनियम जो डिस्क है इसके साथ एक फर्दर पॉइंटर जुड़ा रहता है एंड उसके साथ एक स्केल रहता है

एडी करेंट विल जेनरेट और एक एडी करेंट यहां पे प्रोड्यूस होगा जिसके वजह से डिस्क रोटेट होगा डिस्क को बैलेंस पोजीशन पे लाने के लिए यहां पे एक ब्रेक मैग्नेट यूज होता है जो कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है सो so यही है इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर थैंक यू